लगा हुजूम और नारेबाजी चरखी दादरी के सब्जी मंडी की है, जहां नाराज व्यापारियों और आढ़तियों ने मंडी पर ताला जड़कर जाम लगा दिया है। दरअसल पूरा मामला आपको बताते हैं। सब्जी मंडी में जब सुबह किसान सब्जी लेकर पहुंचते हैं और मजदूर काम पर आते हैं, तभी बाहर से कुछ हथियारबंद लोगों ने एक किसान और एक श्रमिक पर हमला कर दिया और नकदी लूटकर मंडी से फरार हो गए। इस घटना के बाद हमले में घायल गांव समसपुर निवासी धर्मेंद्र और श्रमिक मनोज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद मंडी आढ़तियों ने रोष मीटिंग करते हुए मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और रोड जाम कर दिया। इस दौरान आढ़तियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। आढ़तियों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। सुबह 2 बजे कम से कम 10-12 वारदात, कम से कम 10-12 लड़कों ने भोप तंडव किया। यहाँ जो भी आया उसको किसी को छुरी से काटा है, किसी को लठों से पीटा है, जिसकी गोद में 2000 मिले, 5000 मिले, जमींदार था या छोटा दुकानदार है, बुरी तरह उन्होंने उनके साथ बदमाशी की है। और सरकार को हमने प्रशासन को बार बार देने के बाद ये नहीं कहती कि हमने जाम लगाया, अभी आप पूरा प्रशासन आया बच्चों साहब ने शाम तक गिरफ्तारी का हमें वो करके जाम खुला निकाला। लगभग 2 से 3, 3:30 बजे तक कुछ असामाजिक तत्व वो छुरी ले रहे थे, लठ ले रहे थे, और जो भी व्यापारी भाई को आया उसको लठवारा, उन्होंने 2-3 गाड़ियों के हिस्से तोड़े थे, और एक के दो जो वर्कर था उसको यहाँ पर उन्होंने छुरी मार दिया, वो एडमिट है, और उसको लेके जो है यहाँ पर हमने जाम लगाया था। तो पुलिस प्रशासन ने शाम तक का वक्त मांगा है कि शाम तक का हमें वक्त दिया जाए, अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कर लें। आपको बता दें कि मंडी में किसानों और श्रमिकों पर हमले और लूटपाट की घटनाएं आम बात हो गई है। मंडी प्रधान का कहना है कि कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो मजबूरन रोड पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। जब थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद व्यापारियों ने हड़ताल को बंद किया और मंडी गेट का ताला खोला। रास्ता ठीक ढंग से नहीं बताया और वो कह रहे हैं कि रास्ता ना बताने को आपस में कहासुनी हो गई थी। बाद में इन्होंने जो सब्जी मंडी के जो प्रधान हैं, इन्होंने पूछताछ किया उनसे, के बाद कार्रवाई बनती है, जो कार्रवाई जैसे भी है वो हम करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल आए दिन बदमाशों की गुंडागर्दी और लूटपाट से हो रही परेशानी को जितनी जल्दी दूर किया जाए आम जन के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मंडी व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए मंडी को बंद कर आढ़ती रोड पर बैठ जाएंगे। सूर्य समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।